8.4 एक्सरसाइज कर रहे थे अपन। 8.4 के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर 5th चल रहा था। इसके टोटल अपने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि 10 पार्ट है इसके ओवरऑल। 10 पार्ट में अपना ये 5th पार्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसको अगर आपने समझ लिया तो मतलब बहुत अच्छी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईओबी एग्जाम में क्वेश्चन, आईओबी क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये क्वेश्चन है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू, जो आपको सोल्व करना है राइट हैंड साइड, कोस ए के प्लस कोट है। शर्त ये है, इसमें थोड़ी कंडीशन भी दे रखी है कि आपको एक आइडेंटिटी दे रखी है ये वाली, कोस ए स्क्वेयर ए बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज करना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अगर इस आइडेंटिटी का अपन यूज करते हैं तो देखो, इस आइडेंटिटी को यूज करने से पहले अपन अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। आपको पता अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस। बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बात ये है कि इस आइडेंटिटी का जो यूज करना है अपन को, तो इस आइडेंटिटी जैसा ये क्वेश्चन बने तभी तो इसका आइडेंटिटी का यूज कर पाएंगे अपन। तो इस आइडेंटिटी का यूज करने के तो दो तीन तरीके होते हैं। सपोज आप जानते हो अपन वजन करते हैं, जो तोलने वाली जो तराजू होती है मान लो आप, ठीक है, अगर तोलने वाली जो होती है, सपोज इसमें मैं इधर यहाँ पर 2 kg वेट रखा हुआ है, इधर भी 2 kg वेट रखा हुआ है, चलो बिल्कुल इक्वल है दोनों तरफ। सपोज मैं अगर इधर 3 kg और रख दूँ, 3 kg और ऐड कर दूँ, इधर भी रख दूँ, दोनों तरफ सेम वेट रखता हूँ, तो क्या फर्क पड़ा इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ा, बराबर 5-5 kg वेट हो गया, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा था एकदम सीधा रह जाएगा। सेम टू सेम वही चीज आप इसमें करने जाओगे। देखो ध्यान देना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन जो करेंगे वो ये है कि इस जैसा अगर बनाएंगे तो अब दो तीन पैटर्न होते हैं, ऊपर नीचे या तो किसी से डिवाइड करें अपन, या फिर ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई करें, या कुछ ऐड करें, लेकिन होगा तो दोनों ऊपर नीचे दोनों सेम टू सेम होगा तभी कर पाएंगे, मतलब इक्वल रखना है अपन को। जैसे सपोज ये फर्स्ट ऊपर वाला ये है कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन, अगर मैं इस कोस में ध्यान देना, अब कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन तीन चीज है, तीनों में मैं बारी बारी अगर साइन का डिवाइड करूं, ध्यान देना इसमें भी किया, नीचे वाले को मैं देखना सिर्फ ऊपर को देखना अपन, देखो कोस में भी साइन का किया माइनस, साइन में भी साइन का किया प्लस वन, इसमें भी साइन का किया, करा क्या, इन तीनों के नीचे साइन से डिवाइड कर दिया अपॉन, नीचे वाले में आ जाओ, कोस है जो ऊपर किया था वही नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी साइन से डिवाइड किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, इसमें भी साइन है, प्लस का प्लस साइन का लिख दिया साइन, ठीक है, इसमें भी साइन से डिवाइड, माइनस वन इसमें भी साइन से डिवाइड, ठीक है भाई। तो बात क्या ही निकल के है, जो मैं कहना चाह रहा था कि ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम टू सेम चीज से आपको डिवाइड कर रहे हैं, साइन से कर रहे हैं। अब सोचो साइन से क्यों किया, समझाता हूँ। कोस अपॉन साइन क्या होता है बच्चे, कोट, साइन से साइन कट गया वन, और वन अपॉन साइन कोसेक, यानी कि कोसेक और कोट और वन, कोसेक कोट और वन हमें चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी की शर्त थी कि कोसेक और कोट और वन वाली आइडेंटिटी लगाओ, तो कोसेक कोट और वन आना चाहिए हमारे पूरे क्वेश्चन से, ये हमारे को कंडीशन को फॉलो करना है। अच्छा देखो इससे भी देखो, कोस अपॉन साइन कोट वन कोसेक, अच्छा आपके माइंड में ये चल रहा होगा साइन से ही क्यों किया, कोस से क्यों नहीं किया। देखो बच्चे अगर कोस से करते तो कोस से कोस तो चलो वन हो गया, लेकिन यहाँ अगर साइन अपॉन कोस होता तो क्या होता, टेन बन जाता, हमें टेन थोड़ी ना चाहिए, फिर वन अपॉन कोस करते सेक बन जाता, हमें वो थोड़ी चाहिए, हमें कोट कोस से एक और कोट चाहिए, और कोस से एक और कोट हमें साइन ही देगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस में आओगे तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा किससे डिवाइड करना है। हमें आपको फॉर्मूले तो याद है ही, तो फॉर्मूले अगर याद हैं तो ये सब कुछ ईजी पड़ जाएंगे। अब देखो करना क्या है कि ये निकल गया, अब आप इसका सॉल्व कर लो। देखो कोस अपॉन साइन कोट यस, साइन साइन वन कट गया ना, और वन अपॉन साइन हो गया आपका कोस ए के, मतलब सिर्फ मैं ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूँ इसको, कोट माइनस वन प्लस कोस ए के, नीचे आ जाओ कोस अपॉन साइन कोट प्लस वन माइनस वन अपॉन साइन कोस ए के। लिखने की जरूरत थोड़ी ये चीजें आप खुद जानते हो, ये फॉर्मूले इधर लिख देता हूँ आपका, वो तो कि कोस अपॉन साइन कोस अपॉन साइन आपको पता होता है कोट है, ठीक है, और आपका वन अपॉन साइन वो होता है कोसे के, ये लगाए हैं अपने अभी तक, ये दो फॉर्म लगाए हैं, चाहो तो साइड में लिख सकते हो, ये यहाँ पर अप्लाई किया। अब ये बन गया जैसा इसने कहा था कोसे कोट के टर्म में, बिल्कुल ले आए अपन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख भी देना
ऊपर नीचे अप एंड डाउन आपको मल्टीप्लाई किया आपने किससे, साइन से, ठीक है, ये आप थ्योरी एड कर सकते हो, थोड़ी स्टेटमेंट लिख देना एग्जाम में सही रहेगा। तो अब इधर साइड में कर लें अपन, तो देखो कि अब ये चीज निकल के आई, एक बात बताओ, इसको मैं एक बार वापस लिखता हूँ, इस वन है, इस देखो क्वेश्चन का एक्सटेंशन करना पड़ेगा अपन को, आंसर राइट हैंड साइड में ही लाना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन इसको एक काम करते हैं कि कोटे तो कोटे रहने देते हैं, इसके पास में कोसे के लिख देते हैं, एक ही बात है, कैसे लिखो, वन को साइड में ले लो एक मिनट के लिए, ऐसा कैसा इसको कर लो, कोटे माइनस कोसे के प्लस वन, करा कुछ नहीं, देखो इन दोनों को पास रख के एक उधर रखा है, इन दोनों को पास रख के एक उधर रखा है, ठीक है, ध्यान देते रहना। अब करेंगे क्या, कोसेक प्लस कोट माइनस वन, अब आपको पता है जो आइडेंटिटी हमें यूज करनी थी भाई, मेन मुद्दा तो अपना आइडेंटिटी का है, इस आइडेंटिटी जो यूज करनी थी, इस आइडेंटिटी का अब यूज करेंगे अपन यहाँ। देखो अगर मैं इस आइडेंटिटी का एक्सटेंशन करता हूँ, मैं यहाँ बताता हूँ आपको आइडेंटिटी का मतलब, आइडेंटिटी आपको दे रखी है वन प्लस कोट स्क्वेयर ए। बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं कोसेक स्क्वेयर ए उसको कोट को दलिया तो माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर वन, यानी कि कोसेक स्क्वायर तो वही, उस कोट जो प्लस का था इधर आए इक्वल के दे तो माइनस का हो गया, बराबर वन का वन, यानी कि वन की वैल्यू कोसेक, और वैसे मैं आपको सी सी याद तो है जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको फॉर्मूलों को फर्स्ट वाले वीडियो में, तो यानी कि कोसेक माइनस कोट, अब वन की जगह अपन वैल्यू रखना चाहेंगे, देखना कि कोट प्लस कोसेक, इस वन की जगह अपन रख देंगे, देखो यहाँ माइनस है तो ध्यान देने वाली बात है ब्रैकेट लगाना, बताऊंगा क्यों लगाना, वन की जगह रख सकते हैं अपन कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए, ठीक है, अपॉन नीचे वाला एज उतार दो, नीचे वैल्यू मत रखना वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर मतलब नहीं रहेगा, अगर दोनों जगह वैल्यू रख दोगे तो फिर आपस में सॉल्व हो जाएंगे, इसको एज रहने देना आप, ये एज। अब ध्यान दो किया क्या, इस वन की जगह साइड में इसीलिए लिखा था, इस वन को कोसेक माइनस कोट अपन ने वैल्यू रख दी इसकी, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी सोल्व करके बता दिया मैंने आपको कैसे निकल के आया। अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ माइनस क्यों लगाया, मैंने कह रहा हाँ माइनस तो है ये रहा, लेकिन ये ब्रैकेट क्यों लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया कि अब जब अगर मैं इस ब्रैकेट को जब खोलने जाऊंगा, ध्यान रखना, तो ये जो साइन है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे इससे, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना वरना गड़बड़ हो जाएगी, कि ये अगर माइनस इस पे लगेगा आपका, फिर वो खोलोगे तो माइनस का रह जाएगा, लेकिन जब ब्रैकेट लगाओगे तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि ये भी माइनस का होगा और ये होगा प्लस का, ध्यान रखना है साइन का, ध्यान रखना जब भी माइनस हो बाहर ब्रैकेट में करो, एक वैल्यू होती सिर्फ एक चीज कोसेक होता तो कोई बात नहीं थी। अब देखना, अब इस क्वेश्चन को मैं अगर देखता हूं यहां पर, तो ये मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लगता है, यहां पर लगता नहीं लगता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, इजी सा फॉर्मूला, तो देखो वो अपन यहां लगाएंगे कोसेक कोटे प्लस कोसेक, ऐसे यही बता रहा हूं माइनस ब्रैकेट, इसको खोल रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चे वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, दिख रहा है ना यहाँ तक, बता देना ठीक है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, आप लिख सकते हो साइड में, ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। अब देखना नीचे उसको एज इट इज उतार दो, ध्यान से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो हुआ क्या, अब ये पूरा एक बन गया, ये पूरी एक ही वैल्यू है, समान आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ये पूरा एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक, ये पूरी एक, बीच में माइनस, तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है वो उठाओ, कॉमन क्या लगता है आपको, देखो इसमें कोट है प्लस कोसेक है, इसमें भी कोट है प्लस कोसेक है, एक ही बात है, वो इधर उधर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज दोनों में कॉमन है, ये कॉमन उठा लो, यानी कि कॉमन क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए, या फिर ये आप ही सोच रहे हैं पहले बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे लिख दूंगा मैं, ये देखो जो चीज़ दोनों में कॉमन थी कोट ए प्लस कोसेक, ये चीज़ कॉमन है, इसमें भी है, भी है, इसमें भी है, तो बच्चे अंदर ब्रैकेट, अगर यहाँ छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इससे ये वन, अब देखो इन दोनों में अपन ने कॉमन ले लिया, ये चीज़ ये इसमें कॉमन है, ये इसमें कॉमन है, ध्यान रखना ये बाहर लिया, इससे ये कट गया, मतलब ऐसा मान लो कि कॉमन लेते हैं वो कट ही जाता है डिवाइड की तरह, वन हो गया माइनस, इससे ये गया वो बचा, वो क्या बचा कोसेक ए माइनस कोट, लेकिन किस में आएगा ब्रैकेट में, ध्यान रखना मैंने बताया था ना क्यों आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये यहाँ माइनस है, ये यहाँ वाला माइनस है, और जब एक अंदर बताऊंगा इसका क्या यूज है, देखना माइनस का बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज़ का, ध्यान रखेंगे आप, माइनस लगाना मत भूलना, हर कोई बच्चा गलती करता है यहाँ पर, ठीक है, माइनस लगाना है
क्योंकि जैसे ही मैं इसको देखना, अभी बताता हूँ कि मैं जैसे ही इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो कितना फर्क आ जाएगा देखो। और नीचे जो था वो एज इट इज उतार रहा हूँ। देखो बच्चे, ऊपर वाला कोट ए प्लस कोस ए के एज इट इज, खोलते हैं अपन इसको। खोलोगे तो वन का तो वन, ये जैसे ही खुला तो बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो कोस ए के अभी इसके पहले कोई साइन नहीं, मतलब इट मीन्स ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, कोस ए के माइनस का, और कोट भी माइनस का तो वो हो गया प्लस का। और नीचे जो एज इट इज जो है वही है, कोट ए माइनस कोस ए के माइनस वन। अब देखो एक बात बताओ, कोट ए प्लस का यस, कोस ए के माइनस का यस, और वन माइनस का, वन माइनस का कहाँ कैसे रहा ये? ये वन माइनस का रहा आपने क्वेश्चन में, कहीं गलती तो नहीं है? हाँ सॉरी, देख लो ये प्लस का है बच्चे, ये प्लस वन था भाई, ये माइनस वन कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो अपने माइनस वन कर दिया, वैसे ये प्लस वन है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन। अब देखो मैं ये दोनों सेम है, आप टेंशन मत, इससे ही कट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सेम तो आगे पीछे, आगे पीछे से क्या देखना, एज इट इज साइन देख लो, कोटे प्लस का यस, कोसे के माइनस का यस, और वन प्लस का, वन प्लस का देख लो, वन के पहले कोई साइन नहीं है, प्लस का, ये भी प्लस का, ये चीज इसके साथ इनटू में, इससे ही कट गया। पीछे क्या बचा, कोट ए प्लस कोसे के, और ये ही हमें चाहिए था। देखो राइट हैंड साइड कोसे के प्लस कोटे, या फिर कोटे प्लस कोसे के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, LHS बराबर RHS, हैंड्स फ्रूट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एक दो चीज़ में ध्यान रखना, आप गलती जो करते हो मैं बता देता हूँ आपको। आप एक तो ये गलती करते हो कि ये जो माइनस लगाते हो ना बाहर, जो माइनस होता है, आप इसके पहले ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो अंदर साइन अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा पूरा का पूरा। देखो कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, तो यहाँ ध्यान रखना है, एक नीचे आप यहाँ पर जहाँ आप कॉमन ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो, अब यहाँ पर अगर कॉमन लिया आपने ये चीज़, तो ये तो वन हो गया। देखो ये चीज़ कॉमन ली तो ये तो वन हो गया, लेकिन ये माइनस का माइनस, लेकिन अब इसको अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का नहीं होगा, फिर यहाँ पर कटेगा ही नहीं और एक्सटेंशन हो जाएगा, करते जाओ अपने आंसर कभी नहीं आना। ये माइनस जब भी आएगा ब्रैकेट के बाहर, कोई दो डिजिट हो, ऐसा मानो दो डिजिट हो, तो ही ब्रैकेट जरूर लगाना है। हाँ अगर ये सिर्फ कोसेक होता, कोसेक तो फिर ऑलरेडी एक उसी पर अप्लाई हो जाता, ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है बच्चे? तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था।